पंडित जी, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान कण कण में है। जिस तरह से भगवान कण कण में है, वैसे ही राजनीति के बारे में कहा जाता है कि परिवार से लेकर दफ्तर में है, दफ्तर में राजनीति है। तो स्वाभाविक तौर पर राजनीति है तो विरोधी भी होंगे। तो आप ये बताइए, भगवान शनि देव को कितने झंडे चढ़ाए जिससे कि विरोधी परास्त हों, और साथ ही साथ उस खास चीज के बारे में जिसका भोग लगाने से भगवान शनि की विशेष कृपा मिले। देखो ऐसा है, ये बात तो तुमने सही कहा कि लोग अपने दुख से नहीं परेशान हैं, दूसरों के सुख से परेशान हैं। किसी का वर्चस्व, किसी की प्रशंसा सुनना लगभग लोगों को बड़ा नागवार गुजरता है, और अगर कोई इज्जतदार है तो लोग कोशिश करते हैं कि बेवजह उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालें। इसी तरह से ऑफिस में भी किसी का कोई आप नुकसान नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आपका सम्मान ज़्यादा है तो आपका विरोध करने वाले बेवजह आपकी कमियां ढूंढेंगे। तो अगर विरोधी आपको भी परेशान कर रहे हों तो काले रंग के दो छोटे झंडे आपको शनि मंदिर में शनिवार को जरूर चढ़ाना चाहिए। शनि मंदिर में चंदन और काले तिल भी आपको दान करना चाहिए। गुड़ से बना प्रसाद भी शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए। उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। ये सारे उपाय ऐसे हैं कि दुश्मनों को आपके प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनाने पर शनिदेव मजबूर करेंगे। और एक बात जान लीजिए कि अगर शनि देव आपके ऊपर कृपालु हैं तो फिर दूसरा कोई कुछ आपका बिगाड़ भी नहीं पाएगा, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी।